कहानी की शुरुआत में हम वेस्ट इंडीज के एक काले आदमी जोल को देखते हैं, जो एक बेरोजगार और एक नंबर का निकम्मा होता है। दूसरी तरफ हम उसके सौतेले भाई रेजिस को देखते हैं, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, पर वो अपने पैसों के घमंड में काफी ज्यादा चोर होता है और वो अपने से गरीब लोगों का हमेशा मजाक उड़ाते रहता है। खैर, इसके बाद हम जोल को देखते हैं, जो खुद को बेरोजगार होने के कारण नक्सलवाद को बताता है, पर अभी तक उसने किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई तक नहीं किया था। जब वह अपने घर में आता है तो हमें पता चलता है कि उसकी एक प्यारी सी बेटी है और वह अपने माँ के पैसों पर ऐश कर रहा है। इधर रेजिस अपने बीवी बच्चों के साथ एक बड़े से घर में रह रहा था और उसकी जिंदगी आराम से कट रही होती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है, तो उसे पता चलता है कि उसके फादर की तबीयत बहुत खराब है और वह कुछ ही वक्त के मेहमान है, इसीलिए वो अपने दोनों फालतू बेटों से मिलना चाहते हैं, पर रेजिस अपने फादर से मिलने से मना कर देता है, क्योंकि उसके फादर ने उसे बचपन में ही छोड़कर किसी खूबसूरत लड़की के साथ भाग गए थे। पर उसकी वाइफ उसे कहती है कि अगर तुम अपने फादर से मिलने नहीं गए तो मैं भागकर अपने मायके चली जाऊंगी, जिससे रेजिस को अपनी वाइफ की बात माननी पड़ती है और वो अपने फादर की सिटी पहुंच जाता है। रेजिस जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो एयरपोर्ट पर उसका भाई जोल उसे लेने के लिए आया होता है। अब दोनों एक टैक्सी लेकर अपने फादर के घर जाने लगते हैं। तभी रेजिस अपने सक्सेसफुल लाइफ के बारे में जोल को बताने लगता है, तो जोल भी कहां चुप रहने वाला था, वह भी बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने लगता है कि मेरे पास भी एक जहाज है जिसे मैं अपने घर के छत के ऊपर लैंड करवाता हूँ और मेरी खुद की एक ट्रेन है जिससे मैं अक्सर ऑफिस जाया करता हूँ। इसके बाद दोनों अपने फादर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर उसकी कई सारी सौतेली बहनें होती है। दरअसल उसके फादर जॉनी सिंस के पुजारी थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जवानी में कई सारी औरतों के साथ अवैध संबंध बनाया था, इसीलिए दोनों की कई सारी बहनें होती है। इसके बाद अपने दोनों बेटों को देखकर उनकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है और वह मरने से पहले दोनों को बताते हैं कि दोनों को एक बहुत बड़ा खजाना देने वाला हूँ। खजाने की बारे में सुनकर दोनों उस खजाने के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते थे, पर वह आधी बात ही बताकर मर जाते हैं। इसके बाद दोनों को एक दस्तावेज दिया जाता है। यह दस्तावेज उस समय का होता है जब उनके पूर्वज अंग्रेजों के गुलाम थे और यह दस्तावेज उनके पूर्वजों को अंग्रेजों के द्वारा अच्छे काम करने के बदले में मिला था, पर उन दोनों को लगता है कि यह एक बेकार सा कागज है, तो दोनों उसे फाड़ कर हवा में उड़ा देते हैं। पर दोनों को उसके फादर की बहन गांजा पीते हुए यह सब देख रही थी, तो उसे बहुत बुरा लगता है, तो उन दोनों पर गांजे का धुआं फेंकती है, जिससे दोनों 17वीं सदी में पहुंच जाते हैं, जहां पर अभी भी वेस्ट इंडीज अंग्रेजों का गुलाम होता है। दोनों की जब नींद खुलती है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे आखिर हैं कहां। इससे पहले दोनों कुछ समझ पाते, उनके पास एक शिकारी आता है और दोनों को पकड़कर उन्हें बेचने के लिए बाजार पहुंच जाता है। दरअसल उस समय वेस्ट इंडीज में दास प्रथा चल रही थी, जहां पर लोगों को बोली लगाकर बेचा जा रहा था। वहां पर खड़े सभी गुलामों को बेच दिया जाता है, लेकिन इन दोनों को किसी ने अभी तक नहीं खरीदा था, इसलिए दोनों अजीबोगरीब सा हरकत करने लगते हैं ताकि उन्हें कोई खरीदे। अगर उन दोनों को कोई नहीं खरीदता तो उन्हें गोली मार दिया जाता, लेकिन उन्हें एक साहूकार खरीदकर अपने घर लेकर चला आता है। वहां पर जोल को खेत में काम करने के लिए दिया जाता है। खेत में हेनरी नाम का एक बंदा खेत के मजदूरों से काम करवाता है और काम ना करने पर उनकी पिटाई भी करता है। इधर रेजिस को घर का काम करने के लिए दिया गया था। रात में जब दोनों एक साथ होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस गांजे के धुएं की वजह से वे टाइम ट्रेवल करके 17वीं सेंचुरी में पहुंच गए हैं, इसीलिए दोनों वहां से भागने का
प्लान बनाते हैं। अगले दिन फादर वहां पर आकर बाइबल में लिखी बातों को बता रहे होते हैं कि कैसे काले लोगों को हम जैसे गोरे लोगों की बात माननी चाहिए। लेकिन रेजिस पढ़ना जानता था तो बाइबल में लिखी पंक्तियों को पढ़कर बताता है कि इसमें तो लिखा है कि काले से लेकर गोरे लोगों को सबको समान अधिकार जीने के लिए दिया गया है। अगले दिन जोल फैसला करता है कि वो यहाँ से भाग कर रहेगा। जब वह खेत में काम कर रहा था तो वो मौका पाकर वहाँ से भागने का फैसला करता है, लेकिन वो भागते वक्त एक बड़े से लकड़ी में टकरा जाता है और वह वहीं पर गिर जाता है। जो कि उसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी तो उसे गांव के बीचों बीच चौराहे पर बांधकर उसे कोड़े से पिटाई की जाती है। खैर इसके बाद रेजिस को साहूकार बुलाता है और उसकी पढ़ने की स्पीड को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है और उसे हेनरी के साथ गुलामों पर नजर रखने के लिए बोलता है। इधर जोल के जख्मों पर रोजली नाम की एक लड़की दवा लगा रही होती है। दोनों को मिले हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था पर जोल उसे पटाने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान वो उसे किस करने की कोशिश करता है पर रोजली उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वह उसे कहती है जिसका नाम रसल है और मैं उसी से शादी करने वाली हूँ। अगले दिन रेजिस जोल के पास आता है जो अब गुलामों का मालिक बन चुका था। वो जोल को काम पर चलने के लिए बोलता है लेकिन जोल उसकी बात ना मानकर वह दोबारा से सो जाता है, जिससे रेजिस को गुस्सा आ जाता है और वह उसके ऊपर बाल्टी में भरे पानी को फेंक देता है। यह देखकर जोल सोचता है कि ये तो मुझे काम करने का ऑर्डर देने लगा है। अगले दिन जोल रेजिस से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए पर वह भागने से मना कर देता है और उसे कहता है कि मेरी लाइफ अब अच्छी से कट रही है और मैं अब गुलामों का मालिक भी बन चुका हूँ। लेकिन एक दिन उसका यह भरम टूट जाता है। उसका मालिक उसे घर में बुलाकर उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और उसे रस्सी से बांधकर बेफजूल हेनरी से कोड़े मरवाते हैं, जिससे दोनों भाई काफी परेशान हो चुके थे और मौका पाकर एक टांगे में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। पर उस टांगे का चालक एक्स उन दोनों को देख लेता है। वो उन दोनों को लेकर अपने घर चला आता है। दोनों भाई उससे अपनी जान बचाने की मदद मांगने लगते हैं। इतने में उस साहूकार का आदमी वहां पहुंच जाते हैं पर दोनों उनसे बचते हुए समुद्र में पड़ी एक नाव को लेकर भागने लगते हैं। इतने में उनके पीछे एक बड़ी सी पानी की जहाज आती है और उन दोनों को पकड़कर दोबारा से उसी बाजार में बेचने के लिए लेकर चली जाती है, जहां पर उस साहूकार ने अपने आदमियों को भेजकर उन दोनों को खरीद कर लेकर आने के लिए कहा होता है। जब साहूकार के आदमी उन दोनों को खरीद कर लेकर आ रहे होते हैं तभी कुछ जंगली कबीले के लोग उन दोनों को उनसे बचाकर अपने साथ लेकर चले आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वे कबीले के लोग पहले उन्हीं अंग्रेजों का गुलाम थे पर वे किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले और वह अब उन गोरों से बदला लेने का प्लान बना रहे हैं। जो कि रेजिस की वाइफ गोरी होती है तो वो उनकी मदद करने से मना कर देते हैं, जिससे कबीले के लोग गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों को सजा देने की बात करने लगते हैं, जिससे दोनों घबरा जाते हैं और मौका पाते ही वहां से भाग निकलते हैं। अगली सुबह जब दोनों की नींद खुलती है तो वो अपने सामने उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसने उनके ऊपर उस गांजे का धुआं फेंका था। उसे देखकर रेजिस काफी गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चोल उसे ऐसा करने से रोक देता है। इसके बाद दोनों उस बूढ़ी औरत से वहां से बाहर निकलने का मदद मांगने लगते हैं। दोनों उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि वापस से हमें हमारी दुनिया में भेज दो, इसके बदले तुम जो कहोगी हम दोनों करने के लिए तैयार हैं। जिस पर वो उसे रोजी और स्टीडोर को मिलाने के लिए कहती है और वापस से अपने मालिक के पास जाने की बात कहती है। इतना कहकर वो वहां से गायब हो जाती है पर जाने से पहले
अपना मैजिकल पाइप उन्हें दे देती है और उनसे कहती है कि इस पाइप का प्रयोग तभी करना जब तुम्हारा काम समाप्त हो जाए। इसके बाद दोनों अपने मालिक के पास वापस आ जाते हैं। उन दोनों को भागने के जुर्म में दोनों की पिछवाड़े में सिकाई होती है, जिसके बाद दोनों अपने झोपड़े में आकर अपने काम को अंजाम देने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। उस रात वहां पर एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही थी, तो दोनों काफी सारे शराब को लाकर सबको पिला देते हैं। नशे में एसलीन और रोजली को एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए देखते हैं, पर दोनों बिना अल्टीमेट हुए सो जाते हैं। तो जॉर्ज और रेजिस दोनों मिलकर उन्हें संभोग कराने में मदद करते हैं। अब दोनों को लगता है कि उनका काम हो गया, इसीलिए उस मैजिकल पाइप से धुआं निकालने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें उन गोरों से बदला लेने के बारे में सोचते हैं और उनके पास पहुंच जाते हैं। जोल अपने मालिक के बेटी को जाकर किस करने लगता है और वहीं पर रसल अपने मालिक के मुंह में एक सड़ा हुआ अंडा ले जाकर डाल देता है, लेकिन तभी हेनरी गन लेकर वहां पहुंच जाता है। पर दोनों उसे देखकर डरने की बजाय जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद उस मैजिकल पाइप को निकाल कर उसमें आग लगाते हैं और उससे धुआं निकालते हैं, पर उस धुएं से उन पर कोई भी असर नहीं होता और दोनों पकड़े जाते हैं। अगले दिन उन दोनों को फांसी के लिए गांव के चौराहे पर ले जाया जाता है। उन दोनों को जब फांसी दिया जा रहा था, तब उसके मालिक का बेटा जंगल की तरफ भागने लगता है, क्योंकि वो किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता था। भागने के दौरान वो एक नदी में गिर जाता है, जिससे वो नदी में डूबने लगता है। उसे डूबता देख सभी उसे बचाने के लिए नदी की तरफ भागने लगते हैं, तो मौका पाकर इसी दौर उन दोनों के पास जाकर उनके हाथ का रस्सी खोलकर उन्हें आजाद कर देता है। तो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी रेजिस बच्चे को डूबता देखकर उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन रेजिस को भी तैरना नहीं आता था, तो वह भी पानी में डूबने लगता है। दोनों को डूबता देख जॉर्ज उन्हें बचाने के लिए नदी में वह भी कूद जाता है और उन दोनों को नदी से बाहर निकालता है। खैर, इसके बाद दोनों की हिम्मत की तारीफ करते हुए उनके मालिक उन दोनों को वहां से जाने का इजाजत दे देता है, पर रेजिस उनसे कहता है कि आप इसी दौर और रोजली को भी वहां से आजाद कर दे। इसके बाद उन दोनों को भी आजाद कर दिया जाता है। खैर, खेत में हेनरी रेजिस और जॉर्ज के पास आकर उन्हें खेत में काम करने के लिए कहता है और उन दोनों की मजाक उड़ाते हुए उनके मुंह पर उस मैजिकल पाइप से उन पर गांजे का धुआं फेंकता है, जिससे दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद दोनों को अपने घर में देखते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वो उस बूढ़ी औरत को अपने पास बैठा हुआ देखते हैं। खैर, इसके बाद दोनों अब अपने काम पर बिजी हो जाते हैं। तभी एक दिन उनकी बेटियां दस्तावेज को लेकर फाड़ने वाली होती है, तो वो अपने बेटियों को रोकने के लिए उनकी तरफ भागते हैं। और इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी मेहनत और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।